जय हिंद दोस्तों। ORP 2 और HRA पर लेटेस्ट अपडेट आई है। बता दें, ORP 2 संशोधन की खबरें छाई हैं समाचार पत्रों पर। लेटेस्ट अपडेट है और JCOOR का HRA 100% कर दिया गया है। MOD ने लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है। 20 फरवरी को सैनिकों की जबरदस्त हुंकार और हुंकार रैली में कहां कहां के लोग जुड़ रहे हैं और कौन कौन आ रहा है, इस पर लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले तो मैं HRA पर अपडेट दे देता हूं। 10 फरवरी को एक लेटर जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD की तरफ से, जिसमें कि HRA के नियम बदल दिए गए हैं। HRA Part 2 ऑर्डर फॉर HRA JCOR, इसमें कैसे Part 2 करना है और कितना HRA आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 8 अप्रैल 2022 से आपको इस इफेक्टेड है, यानी कि जो पीछे जिनके Part 2 हो गए हैं वो रिपब्लिश किए जाएंगे। इसमें अभी क्या चेंजमेंट हुआ है, देयर इज नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि किसी तरह का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अब नहीं चाहिए HRA के लिए। और HRA के लिए जो 8 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया है, यानी कि जिसके पिछले HRA पब्लिश कर दिए गए हैं उनको भी कैंसिल करके अब इस आधार पर HRA पब्लिश किए जाएंगे। HRA इज बीइंग पेड विद द मंथली बेसिस अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ सिटी रिफ्लेक्टिंग Part 2 ऑर्डर। अब HRA जो होगा Part 2 ऑर्डर में ये बस कैटेगरी सेट कर दी जाएगी कि जेड कैटेगरी के हैं कि वाई कैटेगरी के हैं कि एक्स कैटेगरी की सिटी है, उसके आधार पर आपको HRA दिया जाएगा। अब HRA को आपको बार बार Part 2 ऑर्डर नहीं कराना है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाफ ईयरली, आपको हाफ ईयरली में हम जो Part 2 ऑर्डर कराते थे 1 जनवरी से 1 जुलाई ऐसे करके एवरी ईयर ये काम करना पड़ता था, ये रिवाइज ऑर्डर पर अब ऐसा नहीं कराना पड़ेगा। इसमें सिर्फ सिटी का होगा, कैटेगरी कौन सी सिटी किस कैटेगरी की है उस आधार पर आपका Part 2 ऑर्डर हुआ करेगा, और जब आप ट्रांसफर होंगे तब आपका Part 2 ऑर्डर सीज किया जाएगा, यानी कि HRA सीज किया जाएगा। जैसे दूसरी यूनिट में जाएंगे जिस कैटेगरी की सिटी है उस कैटेगरी का आपको Part 2 एक बार कर दिया जाएगा। जैसे कि आपकी किसी अलाउंस आते रहते हैं वैसे ही आपका HRA आता रहेगा। इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके डिपेंडेंट नहीं है और वो इस बैरिक में रुका हुआ है, बैरिक में रुकते हैं, जैसे ऐसे कई जो सिंगल रहते हैं जो बैरिक में रहते हैं उनके लिए HRA अब अप्लीकेबल कर दिया गया। 5% उनको जो बेसिक का 5% HRA दे दिया जाएगा, कहीं भी आप रहे किसी भी यूनिट में 5% HRA दे दिया जाएगा। अब अगर फील्ड एरिया में हैं आप तो फील्ड एरिया में आपको HRA 5% नहीं, जो जेड कैटेगरी का HRA मिलता है वो फील्ड एरिया में आपको दिया जाएगा। जेड कैटेगरी का उस समय कितना चल रहा है उस आधार पर आपको दिया जाएगा, यानी कि इस समय मिनिमम अगर देखा जाए तो 9% HRA जेड कैटेगरी का चलता है, तो जेड कैटेगरी का 9% आपको दिया जाएगा। बता दें, जो HRA का कोई भी Part 2 होगा वो अब 8 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा, यानी कि 8 अप्रैल से आपके HRA अब मंथली बेसिस पर आपके अकाउंट पर क्रेडिट हुआ करेंगे। तो HRA की टेंशन जो थी, कई लोगों को HRA नहीं मिलते थे, वो टेंशन अब खत्म हो चुकी है। अब HRA का जो मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, 24% एक्स कैटेगरी की सिटी को मिलता है और 16% वाई कैटेगरी को और 8% जेड कैटेगरी को। लेकिन जब से 25% आपका डीए हो गया है, 27% कर दिया गया है 24 की जगह पे, 18% कर दिया गया है 16 की जगह पे, 9% कर दिया गया है जेड कैटेगरी को, यानी कि जब 25% हुआ है आपका डीए। अब डीए जब 50% हो जाएगा तो आप देख सकते हैं, डीए जब 50% होने के बाद आपका जो HRA हो जाएगा वो उसमें चेंजमेंट कर दिया जाएगा। 30% कर दिया जाएगा 24 की जगह, 20% कर दिया जाएगा 16 की जगह, 10% कर दिया जाएगा 8 की जगह। यानी कि अगर आप फील्ड में कोई सिंगल मेंबर रह रहा है, फील्ड में रह रहा है, तो उसको 10% तो मिलना ही है HRA बेसिक का। तो बेसिक का 10% आपका HRA फिक्स हो चुका है, कहीं फील्ड एरिया में रहें या पीस एरिया में रहें। दूसरी बड़ी अपडेट है, ORP में विसंगति है, जो संशोधन की मांग है JCOOR की, उसके लिए समाचार पत्रों में बड़ी तादाद में छापी गई है न्यूज और ये बताई गई है कि ORP में विसंगति है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिक संगठन एक साथ एकजुट हुए हैं और कई शहरों के पूर्व सैनिक संगठन जो हैं, सभी जगह के सैनिक अब इस पर आंदोलन करने के लिए तैयारी में हैं। और बता दें, इसके लिए 20 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा और 17 तारीख को भिवानी में प्रदर्शन किया जा रहा है पूर्व सैनिकों को।
के द्वारा। ये प्रदर्शन हो रहे हैं, सभी पूर्व सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं और जो पूर्व सैनिक संगठन है इस पर बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। हालांकि कई पूर्व सैनिक संगठन अभी ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि हम अलग आंदोलन करेंगे, कोई सोच रहा है हम अलग करेंगे। आंदोलन भले अलग 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 करें, लेकिन आप उन उनके आंदोलन में जरूर शामिल हो जो आंदोलन कर रहे हैं। आपके भी आंदोलन में वो शामिल होंगे, तो ऐसा ना करें कि आपके आंदोलन में ज्यादा भीड़ हो रही है तो हम अपने आंदोलन में अलग से भीड़ करेंगे। तो आप सभी एक दूसरे के आंदोलन में शामिल हों जिससे आपको न्याय मिल सके। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।